हेलो डियर्स, वेलकम टू द मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करेंगे मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके मोबाइल के गूगल क्रोम में जाइए। जैसे गूगल क्रोम में जाओगे, वहाँ पे आपको सर्च करना है www.missionhainursing.com। जैसे ये वेबसाइट सर्च कर लोगे, इसके बाद में क्या होगा, एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको पहला वाला क्लिक करना है, दूसरा वाला लॉगिन भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर साइट का नाम दिख जाता है, जैसे ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो जनरली अपने को पहला वाला क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की वेबसाइट के ऊपर आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर डाउनलोड कर सकते हो, मतलब पुराने पेपर्स, ओल्ड नर्सिंग ऑफिसर्स के पेपर। इसके अलावा मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की बुक भी परचेस कर सकते हो। इन सब के अलावा भी स्टूडेंट की टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग जो भी क्यूरीज है, वो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरीज रहता है कि सर आईडी पासवर्ड मेल पे नहीं आ रहे, दूसरा आईडी पासवर्ड भूल गए सर क्या करें, तीसरा सर पेमेंट नहीं हो पा रहा ऑनलाइन क्या करें, फोर्थ सर एग्ज़ाम के बाद में हम आंसर शीट नहीं देख पा रहे, फाइव सर मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की वेबसाइट को ऐप के फॉर्म में कैसे यूज कर सकते हो, और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का प्रोसेस सेम रहेगा। तो आप नॉर्सेट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, या NCL का करो, या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का करो, सबके लिए जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या करना है, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट और लॉगिन ओल्ड स्टूडेंट टू दिख रहा है। अगर आप मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की वेबसाइट पे पहली बार है, तब आपको क्या करना है, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन आपने पहले अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, तब आपको क्या करना है, लॉगिन ओल्ड स्टूडेंट। अब आपको रजिस्टर न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ एक फॉर्मेट है, नेम आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आपका ईमेल आईडी प्रॉपरली होना चाहिए, अदरवाइज आपको ईमेल पे पासवर्ड नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जीमेल लिखने में प्रॉब्लम कर लेते, तो उनको दिक्कत आती है। नेक्स्ट मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए प्रॉपरली। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना राइट डालना है, और सिटी कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे ये पूरा प्रोसेस डाल लोगे, इसके बाद में क्या होगा कि जो ये न्यू स्टूडेंट है, ये थोड़ा डार्क ब्लू हो जाएगा। जस्ट जैसे ही आप न्यू रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि आपके जो रजिस्टर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे और आपके मेल पे सेंड कर दिए, वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर भी किसी स्टूडेंट के पास में आईडी पासवर्ड नहीं आ पाते, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये नीचे व्हाट्सअप का एक प्रोसेस दे रखा है, व्हाट्सअप का एक साइन दे रखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली हमारे पास में मैसेज आ जाएगा। या डायरेक्टली हमारे जो नंबर है जो नीचे आपको दिख रहे हैं, उसके ऊपर भी आप क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको करना है लॉगिन ओल्ड स्टूडेंट। जैसे ही लॉगिन ओल्ड स्टूडेंट करोगे, तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड वही डालना है जो आपके मेल पे आए हैं। आईडी पासवर्ड प्रॉपरली डालना है, आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर कोई स्टूडेंट पहले आईडी पासवर्ड जनरेट किया है, 2 महीने बाद 5 महीने बाद एग्जाम दे रहा है और पासवर्ड भूल गया है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, या फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है। फिर भी कहीं पर आपको आईडी पासवर्ड में इशू आता है, तो उस कंडीशन में आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। आईडी पासवर्ड डालेंगे, एक ऐसा प्रीव्यू खुल जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, सब अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। इसको आप डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हो। डेस्कटॉप मोड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ये ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर लिखा होगा, इस डेस्कटॉप साइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपका डेस्कटॉप मोड हो जाएगा, मतलब ये कंप्यूटर का मोड हो गया। अब इसके अंदर पूरा मैं आपको विजिट करवा देता हूँ किस में क्या क्या।
क्लिक टू गो एग्जाम, यहाँ पे आपका जो मेन पेज है वो दिख जाएगा। प्रैक्टिस एग्जाम, किसी भी एग्जाम्स के लिए हम प्रैक्टिस के लिए, मतलब एक सिंगल टेस्ट कभी प्रोवाइड करते हैं सैम्पल टेस्ट, उस कंडीशन में आपको प्रैक्टिस एग्जाम में दिखेगा। बट इसमें ओनली फॉर एक ही टेस्ट मिलेगा। किसी भी एग्जाम का टेस्टरी ज्वाइन करने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा, टेस्टरीज के अंदर। इसके अलावा एनालिसिस योर एग्जाम, अगर टेस्टरीज के बाद में आप आंसर देख सकते हो, लेकिन अगर आज आपने एग्जाम दिया, आपको 7 दिन बाद अगर किसी का आंसर देखना है, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस योर एग्जाम। इसके बाद में ओल्ड पेपर, यहाँ से आप पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपने क्या क्या खरीद रखा है वो भी इसके अंदर आ जाएगा, परचेस आइटम में। ये मेजर चीज थी आपके लिए जो यूजफुल है। अब अपन बात करते हैं टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी टाइप के टेस्ट दिखती है। जो टेस्ट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो पहले पेज पे नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे पेज नंबर 2, 3 दे रखा है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। यह नेक्स्ट करने के बाद में आप कोई भी एग्जाम ज्वाइन कर सकते हो। इसका आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। सपोज आपको जिपमेर का एग्जाम देना है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि सबसे पहले आपको रीड करना है इसमें अंदर क्या क्या नेगेटिव मार्किंग कितना है, कितने क्वेश्चन हैं। इसके बाद में जिपमेर के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में व्यू मोर आएगा, व्यू मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा प्रोसेस ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा रहता है कि बाय नाउ, ये पूरे टेस्ट कितने हैं वो भी दे रखे हैं। इसके बाद में बाय नाउ और ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट का मतलब होता है अगर आपको एक ही साथ एक से अधिक टेस्ट रिज्वाइन करना है या एक ही साथ एक से अधिक ओल्ड पेपर डाउनलोड करना है, उस कंडीशन में आपको ऐड टू कार्ट में जाना है। लेकिन अभी अगर आपको सिंगल टेस्ट रिज्वाइन करना है, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही बाय नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, उस कंडीशन में यहाँ पे आपका कोड मांगेंगे। अगर जिस टेस्ट का प्राइस 350 से ऊपर है उसके लिए कोड है मिशन 2022, बाकी के लिए कोड नहीं होता है तो आपको कोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं पे ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कैसा एक अलग इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपको इस पेमेंट करने में कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सअप नंबर कर सकते हो, तो मैं आपको दूसरा नंबर दूंगा उस पे भी पेमेंट कर सकते हो, या डायरेक्टली ये जो नंबर दिए हैं इस नंबर पे आप पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, तब भी आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस ऑनलाइन प्रोसेस करने की बजाय आप डायरेक्टली पेमेंट कीजिए और इसके ऊपर मैसेज डाल दीजिए। अब बात करते हैं कि जैसे इसको क्या करना है, क्लिक करना, रीड करके क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसको ओके करोगे, ओके करने के बाद में नया इंटरफेस खुल जाएगा। नए इंटरफेस में आपको क्या है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरफेस खुलेंगे तो सबसे बेटर है कि आपको अपनी मोबाइल की जो यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका डिटेल डालनी है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। ये डालने के ऊपर आपको क्या डालने के बाद में क्या करना है, प्रोसेस। जैसे ये डालने के बाद प्रोसेस क्या है, अलग अलग दिख रहा है। आपको कार्ड से पेमेंट करना है, यूपीआई से करना, नेट बैंकिंग से करना, आपको वॉलेट से करना है, पे लेटर से करना, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हो। सबसे बेटर मुझे लगता है कि आप गूगल पे या फोनपे पे ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करोगे, यहाँ पर आपका यूपीआई आईडी मांगेंगे, तो यह डायरेक्टली आपके गूगल पे फोनपे पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे आप पे पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। आपने जितने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए वो यहाँ पे सब दिख जाएगा। इसके बाद में सपोज अभी आपने जिपमेर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है, तो आपको क्या करना है, गो फॉर टेक एग्जाम। जैसे ही गो फॉर टेक एग्जाम पे ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वापस आपसे पेमेंट नहीं मांगेंगे। उसके बाद में जो एग्जाम आपको देना है वो आप एग्जाम दे सकते हैं। सपोज मुझे इसमें पहला एग्जाम देना है एमएसएन, मैं क्या करूँगा, टेक एग्जाम के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा
क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये पूरा इंटरफेस खुल गया तो इस सभी जो निर्देश लिखे हुए इसको मैं रेड कर लूँगा। इसके बाद में मैं इसको क्लिक कर दूँगा, फिर स्टार्ट एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा इतना है। अगर आपको डेस्कटॉप मोड चाहिए तो आप डेस्कटॉप मोड के ऊपर कर सकते हो। डेस्कटॉप मोड का सिंपल सा मतलब होता है कि जो कंप्यूटर का जो मोड होता है वही मोबाइल का भी हो जाएगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इसको आप ओके क्लिक कर दीजिए। जैसे ओके क्लिक करोगे यहाँ पे पेपर आपका ओपन हो जाएगा। और डेस्कटॉप मोड कैसे लेना है इसके लिए आपको क्या करना है, राइट साइड में तीन डॉट है इसके ऊपर आप क्लिक करना है। उसके बाद में डेस्कटॉप साइड पर क्लिक करना है तो ऐसा मोड ओपन हो जाएगा जो कंप्यूटर का मोड होता है। इसके बाद में ये यहाँ का भी प्रीव्यू करवा देता हूँ। यहाँ टाइमर लगा हुआ है, टोटल टाइम्स कितना है 2 आवर, कितना टाइम रिमेनिंग रहा है, ये टाइम रिमेनिंग रहा है, टोटल्स क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। और अगर कोई लैंग्वेज कन्वर्ट करना है, सपोज कोई हिंदी का क्वेश्चंस है आपको इंग्लिश में देना है या तेलुगु में देना है, मलयालम में देना है, किसी भी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल से क्लिक ऑन द सेलेक्ट लैंग्वेज, देन जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद में आपके क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने क्लिक किया, अब मुझे कौन सा लैंग्वेज चाहिए उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो उसका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। तो हिंदी के ऊपर क्लिक किया तो ये क्वेश्चंस किस में हो गया, हिंदी में हो गया। वापस मुझे इंग्लिश में क्लिक करना है, ये इंग्लिश में हो गया। अब नेक्स्ट बात, इस क्वेश्चन को रीड किया तो उसके बाद में सपोज आंसर ए है, ए करने के बाद में मैं क्या करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको रिव्यू में डालना है तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। रिव्यू का मतलब होता है सपोज ये क्वेश्चन सेकेंड मैंने रिव्यू में डाला है, ये रिव्यू में डाला है, तो जो क्वेश्चंस आप एकदम पक्का कर लोगे उसके ऊपर ये ग्रीन लाइन आएगा, जो रिव्यू में डालोगे वो ब्लू। रिव्यू में डालने का मतलब होता है कि एक बार आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया और एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। नेक्स्ट बात कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कर लिया, पहला राउंड कर लिया, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो रिव्यू में डाला है उस क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट पहुंचने के लिए डायरेक्टली जो क्वेश्चन नंबर ब्लू क्वेश्चन है, ब्लू नंबर जो साइन लगा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो आपके रिव्यू वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद में पूरा पेपर आप सॉल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको डायरेक्टली भी जाना है तो आप जा सकते हो। सपोज मुझे 100 क्वेश्चन पर जाना, मैं 100 क्वेश्चन के ऊपर आपको क्लिक कर दूंगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऐसा प्रीव्यू खुल जाएगा। इसके बाद में मैंने ये आंसर किया और ये फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये आपका पेपर फाइनली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में ओके। इसके बाद में एक नेक्स्ट प्रीव्यू ओपन होता है, उस प्रीव्यू के अंदर आपका दिख जाएगा कि आपका नाम, आपकी यूजर आई डी, यहाँ पर मैंने हिडन कर रखी है, आपको आपका आई डी पासवर्ड किसी को नहीं बताना है। इसके बाद में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 100 क्वेश्चंस है, अटेम्प्ट कितने 3 अटेम्प्ट किए, अन अटेम्प्ट कितने हुए 97, राइट आंसर कितने हैं 0, रॉन्ग कितने हैं 3, और स्कोर कितना है ये, लाइव रैंक कितनी है 43, परसेंटेज कितना है ये, पूरा टोटली इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद में आपका कौन सा क्वेश्चंस राइट है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, आपको आंसर देखना है तो व्यू आंसर विथ रेशनल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके एग्जाम जो आपने दिया है उसका आपको आंसर दिख जाएगा। इसके अंदर 2 प्रीव्यू है, एक तो आपको ग्रीन लाइन दिखेगी, एक आपको रेड लाइन दिखेगी। अब सपोज इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि आपको एक तो रेड लाइन दिख रही है, हल्का रेड, और दूसरा है ग्रीन। ग्रीन का मतलब ये राइट आंसर है, और रेड का मतलब जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आंसर आपने अटेम्प्ट किया है, आपने खुद अटेम्प्ट किया है, तो ये हो जाएगा। जैसे ये पूरा देख लिया उसके बाद में पूरे एक एक आंसर आपको देखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये डैशबोर्ड है, इस बोर्ड है, इस डैशबोर्ड की तरफ आ सकते हो। जैसे इस डैशबोर्ड की तरफ आओगे तो आपको क्या हो जाएगा कि जो मेन वाला प्रीव्यू है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब सपोज आज आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम के 3 दिन बाद आंसर शीट देखना चाहते हो, या आपने 20-25 एग्जाम पूरे दे दिए,
एग्जाम के टाइम में आप सबके आंसर देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एनालिसिस योर एग्जाम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही एनालिसिस योर एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है उसके बाद में आपको कौन से टेस्ट का आंसर देखना है उसके ऊपर जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना है। सपोज मुझे MSN फर्स्ट नर्सिंग ऑफिसर का आंसर देखना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है, व्यू आंसर, जनरेट सर्टिफिकेट और फीडबैक। व्यू आंसर के अंदर आपका पूरा आंसर की दिख जाएगा जैसे पहले दिखाया था। जनरेट सर्टिफिकेट के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है आपका कितना मार्क्स है वो आपको दिख जाएगा। और आपको टेस्ट सीरीज कैसा लगा, अच्छा लगे तो आपको फीडबैक जरूर देना, इस फीडबैक के ऊपर क्लिक करना है। तो ये डियर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, कई बार से भी आते हो डायरेक्टली आपको जाना है तो कहाँ जाना है, डैशबोर्ड में। जैसे डैशबोर्ड जाओगे ये प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी अपन ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज का अटेम्प्ट कैसे करना है, टेस्ट सीरीज के आपके मार्क्स कैसे देखने हैं, टेस्ट सीरीज के आपको आंसर की कैसे देखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओल्ड पेपर। सर ओल्ड पेपर कैसे डाउनलोड करना है, ओल्ड पेपर डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो आप डैशबोर्ड में आके कर सकते हो, दूसरा आप होम पेज से भी डायरेक्टली कर सकते हो। अभी जो अपन डिस्कस करेंगे वो किसका डिस्कस करेंगे, इस ओल्ड पेपर के ऊपर क्लिक किया डैशबोर्ड में आके। जैसे ही ओल्ड पेपर के ऊपर क्लिक करोगे ऐसा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नॉर्सेट के पेपर्स दिख रहे हैं, इसके बाद में जो भी पेपर यहाँ डालेंगे वो दिख जाएंगे और ऑलमोस्ट हम धीरे धीरे सभी पेपर अपलोड करने का कोशिश करेंगे। अब मुझे अगर नॉर्सेट 2022 का पेपर डाउनलोड करना है, 21 का डाउनलोड करना है, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्सेट एम्स के ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद में यह बाय नाउ लिखा हुआ, इस बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। बाय नाउ के बाद में वही प्रोसेस है जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की प्रोसेस थी। तो मैं क्या करूँगा, बाय नाउ के बाद में पे ऑनलाइन, उसके बाद में अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालूँगा, उसके बाद में वहाँ पे गूगल पे फ़ोनपे का सिस्टम आएगा, वहाँ से पेमेंट करूँगा। पेमेंट करने के बाद में ऑटोमेटिकली जहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है अपने परचेस आइटम वहाँ पे चले जाओगे, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी PDF आपको मिल जाएगी। इसके बाद में जो तीसरी बात है, यहाँ से आपको वापस किस में जाना है, गो टू होम पेज। तो आपको टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी वो समझ में आ गया, आपको ओल्ड पेपर डाउनलोड कैसे करना है वो समझ में आ गया। तीसरा बात है बुक्स कैसे परचेस करनी है। बुक आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हो या मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की दूसरी वेबसाइट missionhighpublication.com पे जाके भी आप बुक परचेस कर सकते हो। यहाँ पर जो प्राइस और फ्लिपकार्ट अमेजन की प्राइस में काफ़ी डिफरेंट है, तो स्टूडेंट को आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यहीं से आपको बुक परचेस करनी है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको ओल्ड पेपर डाउनलोड करना है तो दूसरा तरीका क्या, या आप होम पेज से भी कर सकते हो, प्रीव्यू सेम टू सेम रहेगा। अभी अगर मुझे कोई बुक परचेस करनी तो मैं क्या करूँगा, जो बुक चाहिए उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। सपोज मुझे नॉर्सेट का बुक चाहिए, नॉर्सेट चैम्पियन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। जैसे इसके ऊपर बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये ऐसा प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ये प्रीव्यू कौन सा ओपन हो जाएगा, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज का। अब यहाँ पर जो बुक आपको चाहिए वो बुक आप ऑर्डर कर सकते हो। अब टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करना, ओल्ड पेपर कैसे डाउनलोड करना और बुक कैसे बाई करना, हमारी वेबसाइट से आप सीख गए होंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, उसके एक बार मैं जवाब शॉर्ट में दे देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड मेल पे नहीं आ रहा है तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। अगर आईडी पासवर्ड फॉरगेट भूल गए हैं तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है। कहीं पेमेंट का इशू होता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको एक नया नंबर प्रोवाइड करते हैं, उस नंबर पे करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। किसी एग्ज़ाम का अगर आपको आंसर देखना है तो एग्ज़ाम एनालिसिस में जा सकते हो। और लास्ट, क्या मिशन आई नर्सिंग क्लासेज की वेबसाइट को ऐप के रूप में यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो 3 डॉट दिखे हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ऐड टू होम स्क्रीन, और इसके ऊपर क्लिक करते ही जो नाम लिखा हुआ है इसको हटा देना है। उसके बाद में आपको लिखना है MHNC जयपुर। जैसे ही नाम लिख दोगे उसके बाद में ऐड कर दो, ऐड करोगे, ऐड करना है उसके बाद में
आपके जो मोबाइल है मोबाइल में ये दिख जाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका ऐप के रूप में यूज हो जाएगा। बार बार आपको वेबसाइट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वहाँ पे जाइए, वहाँ से लॉगिन करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों ने मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज की टेस्टरी ज्वाइन की है, या बुक ऑर्डर करनी है, या प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और नर्सिंग की डेली अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट। ना थकान होनी चाहिए, ना हार होनी चाहिए, जीतने की जीतती और ये जिद आपकी बरकरार रहनी चाहिए। इसी जिद को बरकरार करने के लिए मिशन आई लेकर आया आपके लिए बेहतरीन कॉम्बो प्लान। जी हाँ, एक बेहतरीन कॉम्बो प्लान जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपके नोट सेट 2022 एम्स नोट सेट 2022 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें आपको मिशन परिचारिका बुक मिलेगी, जिसमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी। सेकेंड बुक मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें आपको 2015 से 2022 तक के पूरे पुराने पेपर्स विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। थर्ड बुक की बात करूं तो मिशन नॉन टेक, जिसमें आपके ओल्ड नॉन टेक सब नॉन टेक सब्जेक्ट्स जहां से आपके 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, बेथ रीजनिंग जीके कंप्यूटर की एक शॉर्ट बुक मिलेगी। इसके अलावा फोर्थ बुक की बात करूं तो मिशन नोट सेट चैंपियन, जिसमें ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है, 1000 प्लस इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। फिफ्थ बुक की बात करूं तो मिशन नोट सेट बूस्टर, जी हां मिशन नोट सेट बूस्टर, जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें मोस्ट सिलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ओनली मोस्ट सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज।